हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अनुराग शर्मा है और आज मैं आपको सिखाऊंगा, चैप्टर 6 है ये मैथ बुक का, ठीक है। क्लास 4th है ये, द जंक सेलर, ठीक है। आपको बड़ा अजीब लग रहा हो ये नाम सुनकर, द जंक सेलर, क्या ये मैथ का चैप्टर है। जी हाँ, ये बिल्कुल मैथ का चैप्टर है और इसमें आज आप मैथ के साथ साथ मोरल एजुकेशन भी सीखेंगे। जी हाँ, बड़ा अजीब लग रहा सुनकर कि मोरल एजुकेशन मैथ का क्या कनेक्शन है। बिल्कुल कनेक्शन है, तो बिना कि टाइम वेस्ट किए हम इसे बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली, ठीक है। क्या आपने कभी कबाड़ी वाली से मुलाकात करी है? आपने तो सुना हुआ कबाड़ी वाला, ठीक है, कबाड़ी वाली नहीं सुना हुआ, ठीक है। तो ए वोमेन हु सेल्स जंक, जो कबाड़ा बेचती है उस वुमेन को हम बोलते हैं कबाड़ी वाली, ठीक है। नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन क्या करें भाई, नाम है ये, ओके। तो दिस इज ए ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण। किरण कौन? ये खुद कबाड़ी वाली जो है, ये देखिए, ये जो है, ये है किरण, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है इसकी खुद की स्टोरी है, ठीक है। इसने हमने खुद स्टोरी आपको बताई है, ठीक है। हु हैज ए जंक शॉप इन पटना, जो पटना में उसकी एक शॉप है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कान में लीड लगा के, ईयरफोन लगा के सुनिए, ठीक है। बिल्कुल अकेले में आपको सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। आई स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज, मैंने जो अपनी पढ़ाई करी हिंदी मीडियम में करी है, ठीक है, अपने विलेज में, गांव में। माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज, मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी जो लड़कियां हैं वो भी बॉयज़ की तरह स्टडी करें। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस, ठीक है, मुझे हिंदी और साइंस पसंद थी, बट आई हेटेड मैथ, मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं थी। टुडे मैथ इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क, लेकिन आज की डेट में आज जो मैथ है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था स्कूल में कि ये भी दिन मेरे संग ऐसा होगा, है ना। वाट अबाउट यू, आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए। डू यू ऑल्सो लाइक मैथ डिफिकल्ट, क्या आपको लगता है? अगर यस तो यस लिखिए और नो तो नो लिखिए, ठीक है। वाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन योर मैथ बुक, ऐसा क्या है आपकी मैथ बुक में जिससे कि आपको लगता है डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट है आपकी मैथ बुक में, लिखिए यहाँ पर, अपने वर्डों में लिखिए। व्हाट डू यू थिंक इन या इन दिस ईजीएस्ट लेसन, ठीक है, ईजीएस्ट लेसन में सबसे ईजी लेसन आपको अभी तक कौन सा लगा, ठीक है। अभी आप 4th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप 3rd क्लास के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन आई वाज यंग, मैं जब यंग थी, माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, मेरे जो फादर थे वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी। सो माय मदर वर्क एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेज, तो मेरी मम्मी ने घरों में एज ए सर्वेंट काम किया। वी हैड ए डिफिकल्ट टाइम, हमने बहुत मुश्किल का समय देखा है। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8th, मुझे अपना 8th क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, मैं बहुत चाहती थी पढ़ना, बट माई मदर गॉट मी मैरिड, मगर मेरी मम्मी ने मेरी शादी करा दी। माई हजबैंड्स फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस, और जो मेरे ससुराल वाले थे, मेरे जो पति के फैमिली वाले थे, वो एक मिट्टी के गांव, मिट्टी के घर में रहा करते थे। हिज टू ब्रदर्स, उनके दो भाई एंड हिज सिस्टर, उनकी एक बहन, डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते थे। ही हैड ए टी स्टॉल, उनकी एक चाय का स्टॉल था। देख ली कितनी बुरी कंडीशन थी उनकी। फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी, आप पता लगाइए अपने आसपास कि एक कप ऑफ टी होती है वो कितने की होती है। आस्क पीपल, लोगों से पूछो, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी, और पता लगाओ कि एक कप चाय मार्केट में कितने की मिलती है। अगर आप एक टी स्टॉल पर जाओगे तो उसका क्या प्राइस है, हैं? अगर आप एक होटल में जाओगे तो उसका क्या प्राइस है, पता करके देखो, पता लग जाएगी। If a person who runs a tea stall earns 30 in one day, एक दिन में जो चाय बेचता है, चाय का स्टॉल है, मैं होटल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टी स्टॉल की, जिसका कोई टी स्टॉल है, तो वो एक दिन में कितने रुपए अर्न करता है, 30 rupees, कितने, 30 rupees इन वन डे, ठीक है। सो हाउ मच विल ही लर्न इन 10 days, तो वो 10 दिन में कितना अर्न करेगा, तो पता लगाइए, हैं? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, ये अगर वो एक दिन में 30 rupees कमा रहा है तो 10 दिन में कितना कमाएगा। अगर नहीं पता लगा पा रहे हैं तो देखिए, तो आप, मैं यहाँ लगा लेता हूँ द अर्निंग, ठीक है। ए मैन अर्न
इन वन डे, ठीक है, इन वन डे इज इक्वल टू 30 रुपीज, ठीक है। तो ए मैन अर्न्स इन 10 डेज, ठीक है, कितने कमाएगा, 30 रुपीज मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 300 रुपीज पर इन 10 डेज, ठीक है। 10 डेज में कितना कमाता है, सिर्फ 300 रुपीज, सोच के देखिए। एंड इन ए मंथ, और मंथ में कितना कमाएगा भाई, वन डे में कमा रहा है वो कितना, 30 रुपीज। सो अब पूछा वन मंथ में, देखिए यहाँ पे क्या है, डे है या मंथ है, तो आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि मंथ में डेज कितने होते हैं, तो वन मंथ में जो डेज होते हैं वो होते हैं 30 डेज, ठीक है। तो 30 डेज में पता लगाना है, तो जैसे हमने तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई कर दी 10 डेज में, तो 30 डेज में करेंगे क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 30 इजिकल टू 900 रुपीज, ठीक है। तो बड़ा ईजी है, आपको यहाँ पे मैं बहुत साफ साफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसमें देखिए अर्निंग ऑफ वन डे, ठीक है, इजिकल टू 30 रुपीज। तो अर्निंग ऑफ अब वो मन पर पूछा था 30 डेज होते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 इजिकल टू 900 रुपीज, वो 900 रुपीज कमाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप अपनी जो फेयर कॉपी इस पर कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये जो क्लाउड में जो है ये क्वेश्चन, इसको आप अपने कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैंने अपने बिजनेस के बारे में सोचा शुरू में। आई शुड ओपन ए बैंगल शॉप, एक चूड़ी दुकान खोलनी चाहिए, या ए टेलर शॉप, मुझे एक टेलर की शॉप खोलनी चाहिए। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाई ओपनिंग ए जंक शॉप, तो मेरे अंकल ने मुझे एडवाइस की कि बेटा आप जंक शॉप से काफ़ी अच्छा ओपनिंग, अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो इन 2001 माई मदर इन लॉ, जो मेरी सास थी, एंड आई, मैंने ओपन करी एक जंक शॉप। वी टुक ए लोन ऑफ 8000 फॉर द शॉप। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, लोन। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, व्हाट इज ए लोन, लोन क्या होता है, ठीक है। पॉज करिए और अपने पेरेंट्स से पूछिए कि लोन क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है बेटा, कि जब हमारे पास कुछ पैसा नहीं होता है और हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम किसी भी बैंक के पास जाते हैं या किसी भी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, हम उससे पैसा उधार लेते हैं और उससे ये डील करते हैं, उससे हम ये कहते हैं कि अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, और कुछ दिनों बाद जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाकर आपका पैसा वापस लौटा दूँगा, समझाई। तो जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसको बोलते हैं लोन, ठीक है। और कुछ उसमें इंटरेस्ट मींस ब्याज लगाकर उसमें हम वो उसका जो लोन जो हमने उसे उधार लिया है उसको हम वापस कर देते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, जिसने हमको पैसा दिया वो बोलेगा मेरा क्या फ़ायदा हुआ। तो जो आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, मान लो सपोज करो आपने किसी से 100 रुपीज लिए, आपने उससे 100 रुपीज लिए, ठीक है, और आपने एक महीने के बाद उसको कितना दे दिया, 110 रुपीज दे दिया, तो उसको एक्स्ट्रा कितना दिया आपने, 10 रुपीज, तो 10 रुपीज का इसका प्रॉफिट हो गया। एक महीने के लिए उसने आपको 100 रुपीज दिए और आपने एक महीने के बाद उसको 110 रुपीज दे दिए, तो आपने उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए, ये इसका फ़ायदा हुआ। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है। और जो 100 रुपये आपने उधार लिए इसको बोलते हैं लोन, क्या बोलते हैं, लोन, ठीक है। तो हैव यू हियर ever heard of someone taking loan, क्या आपने कभी सुना कि कोई आप लोन ले रहे हैं, फॉर वाट, किसके लिए लिया है, घर के लिए लिया है, दुकान के लिए लिया है, गाड़ी के लिए लिया है, किसके लिए लिया है, सोचिए और पूछ में लिखिए यहाँ पे किसके लिए आप लोन लिया, अगर लिया है तो, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं है। हाउ मच लोन वाज टेकन, ठीक है, कितना लोन लिया, अगर लिया गया है तो कितना लोन लिया गया था वो आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है, लाख में लिया गया है, थाउजेंड में लिया गया है, ठीक है। हाउ मच मनी वाज पेड बैक, अगर आपने लोन लिया तो आपने दिया भी होगा, तो अगर आप जिसने भी आपके घर में किसी ने लोन लिया तो आप पूछिए कि आपने जो पैसा वापस दिया था कितना वापस दिया था, ठीक है। सपोज को किसी ने 10,000 रुपीज लोन लिया, कितना, 10,000 रुपीज लोन लिया, और उसने वापस कितना कर दिया, 12,000, ठीक है। तो उसने वापस कितना किया, 12,000, तो उस जिससे लोन लिया था उसको कितने का फायदा हुआ, 2,000 रुपीज का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको डील चलती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है,
हरिया एंड बाबू, हरिया ये हरिया है और बाबू कौन है, ये है बाबू। वांट टू बाई ए हैंड कार्ट फॉर 300 रुपीज। हैंड कार्ट क्या होती है बेटा, जो हाथ से चलाई हुई जो गाड़ी होती है ना, हाथ से चलाते हैं, ठीक है, जो मजदूर लोग होते हैं वो हाथ से कुछ गाड़ी चलाते हैं, तो वो होती है हैंड कार्ट। तो 300 रुपीज की उनको एक गाड़ी लेनी है, और उनके पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, वो तो जब गाड़ी चलाएंगे उसे कुछ पैसा कमाएंगे तब उनके पास पैसा आएगा, जब गाड़ी नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो हरिया था, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, आई हैव टेकन ए लोन ऑफ 300 रुपीज फ्रॉम ए बैंक। उसने बैंक से पैसा लिया और 6 महीने के लिए, ठीक है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। उसने बोला बैंक से कि भैया आप मुझे 6 महीने के लिए 300 रुपीज दे दो। आई विल पे 51 एवरी मंथ टू द बैंक। मैं बैंक को 51 रुपीज एवरी मंथ, मतलब हर मंथ, हर महीने मैं आपको 51 रुपये दूंगा, ठीक है। लेकिन जो बाबू था वो क्या बोलता है, बट आई हैव टेकन ए लोन ऑफ 300 रुपीज फ्रॉम चुन्नीलाल। चुन्नीलाल एक ऐसा इंसान था उसके आसपास जो भी गांव में या मोहल्ले में जो काफ़ी अच्छा मतलब पैसा रखता था, उसने उसको 300 रुपये दिए, वो बैंक नहीं गया, और उसने बोला आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक 360 रुपीज। उसने मुग्गम बता दिया कि भाई मैं 6 महीने के बाद आपको 360 रुपीज दूंगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनता है हु हैज टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अब देखो बेटा हमें यहाँ पे एक सॉल्व करना पड़ेगा, पहले हम हरिया निकाल लेते हैं। देखो बेटा उसने 300 रुपये लिए, ठीक है, जो उसने उधार लिया, लोन लिया 300 रुपीज का लिया। अब 1 मंथ में वो कितना पे कर रहा है, वो 1 मंथ में पे कर रहा है 51 रुपीज, ठीक है, और हर मंथ दे रहा है, तो 6 मंथ के लिए लिया है तो 6 मंथ में कितना देगा, वो 6 मंथ में देगा 51 × 6 भाई, एवरी मंथ वो 51 है ना, 6 महीने दिया, तो अगर हम 51 को 6 टाइम ऐड कर लें या 51 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने 3rd क्लास में आपको समझाया था, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 6 × 1 = 6 और 6 × 5 = 30। उसने उनको पे किया 306 रुपीज, किसको, बैंक वालों को। उसने 6 महीने में कितने रुपए पे किए वापस, 606 रुपीज, 306 रुपीज, ठीक है, उसने उसको कितना पे किया, 306 रुपीज। लेकिन जो इसने किया, इसने लिया था 300 रुपीज, ठीक है, 300 रुपीज लिया था, ठीक है, और वापस कितना किया, 360 रुपीज, ठीक है, तो इसने 360 किया, इसने 306 किया, तो कितने ज्यादा किया इसने, तो हु हैज टू पे बैक मोर, बाबू, है ना, बाबू ने किया, बाबू लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, बाबू ने ज्यादा पैसे किया, चुन्नीलाल ने उसको बेवकूफ बना दिया, उससे 360 रुपीज ले लिए, और सिर्फ हरिया ने उसको दिए हैं बैंक वालों को 306 रुपीज, ठीक है। क्या मुझे इसका डिफरेंस बता सकते हो कि कितना ज्यादा ज्यादा दिया बाबू ने, बाबू ने हरिया से कितने रुपए ज्यादा दिए, तो क्या करेंगे, डिफरेंस 360 और 306 का डिफरेंस, बताइए मुझे डिफरेंस कितना हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी स्टोरी। पीपल लव्ड, लोग हंसे, एंड टीज्ड अस, और हमको परेशान भी किया, अबाउट आवर वर्क, हमारे काम को लेकर। दे कॉल्ड इट गंदा काम, डर्टी बिजनेस, बहुत गंदा काम है, कबाड़े का भी काम होता है कोई, कितना गंदा काम कर रखा है। बट आई डिड नॉट थिंक सो, मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैं जानती थी दिस आइडिया वुड वर्क, ये आइडिया काम करेगा। अब आइडिया क्या काम किया, सुन लो, नाउ वी हैव ए पक्का हाउस, अब उसके पास पक्का हाउस है, पक्का समझते होंगे आप, सीमेंट से बना हुआ जो होता है, ईंटों से बना हुआ जो होता है, ठीक है, विद इलेक्ट्रिसिटी, अब उसके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, वी हैव ए फ्रिज, अब फ्रिज भी है उसके पास, टीवी भी है और गैस स्टोव भी है। माय हस्बैंड, जो मेरे पति हैं, उनके जो भाई हैं, सिस्टर हैं, अब वो सब क्या करते हैं, उनके बच्चे और मेरी बेटी भी है, वो सब क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो देखा, उसने लोगों को नहीं सुना, अपने दिल की सुनी, मेहनत करी और आज उसके पास सब कुछ है। अब देखो उसके पास क्या क्या है, आई हैव 9 रिक्शा, उसके पास 9 रिक्शाज हैं, मतलब 9 रिक्शा वो किराए पर उठाती है, ऑफ माई ओन, मेरे हैं, खुद के हैं। आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट, वो किराए पे देती है रिक्शा को, और ईच फॉर 20 रुपीज ए डे, तो वो हर रिक्शा को 20 रुपये
डेली के मतलब देती है, मतलब रिक्शा देती है और उनसे 20 रुपये लेती है डेली के, भी आप रिक्शा ले जाओ जो आपको कम चलाना चलाओ कितना चलाओ, मुझे तो बस 20 रुपये चाहिए एक दिन के, ठीक है। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देम, लेकिन देखो कितनी अच्छी दिल की है, लेकिन संडे को वो उनसे पैसा नहीं लेती, वो बोले संडे में जो आप कमाओगे वो सब आपका है, कितनी अच्छी दिल की है। हाउ मच डज करण किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन ए डे, तो अब मुझे बताओ एक दिन में जब एक रिक्शा से वो 20 रुपीज ले रही है, ठीक है, तो अब बात 1 डे की चल रही है, ठीक है, ए डे की चल रही है, और एक रिक्शा से वो कितना कमाती है 20 रुपीज, तो 9 रिक्शा से कितना कमा लेगी, 9 रिक्शा से 9 × 20 = 9×2 = 180 रुपीज, तो एक दिन में वो कितने रुपये कमाती है 180 रुपीज, ठीक है। फॉर 1 रिक्शा सी गेट्स 20 रुपीज पर डे, तो 9 रिक्शा सी विल रन, हम यहाँ लिख देंगे 9 × 20 = 180 रुपीज, कैसे आया मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए हाउ डिड यू डू इट, आपने कैसे किया, अब एक जो बिल्ली है उसने तो किया कि भैया आई विल डू इट लाइक दिस, 9 × 2 = 18, सो 9 × 20 = 180, ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 18 आ रहा है, और जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 कर दिया, उसने 10 ऐड कर दी, क्योंकि यहाँ पर 2 की जगह 10 ऐड हो गई, तो यहाँ पे 18 के आगे उसने 10 ऐड कर दी। अब दूसरी वाली ने क्या करा, बट आई फाइंड दिस ईजियर, मैंने थोड़ा ईजी कर लिया, क्या करा उसने 20 की मल्टीप्लाई 9 में करके 20 की मल्टीप्लाई 10 में कर दी, उसने 10 डेज का निकाल दिया 200, अब 1 डेज का उसने माइनस कर दिया, भाई 10 डेज का निकाल दिया उसने, और उसने निकाला 29 डेज का है ना, तो उसने 1 डेज का माइनस कर दिया, तो 180 ऐसे आ गया, तो उसने भी अपना सही तरीका किया, बट 200 − 20 = 180 रुपीज, बात समझ में आई, तो दोनों ने अपना तरीका यूज किया। अगर आपको और भी कोई तरीका आता है तो थिंक ऑफ सम अदर्स वेज टू डू इट, तो उस तरीके से बताओ और मुझे भी बताइए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा जब आपको ये करोगे, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने कैसे कैसे किया है। चलिए यहाँ क्या है, इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा, अब देखिए 1 रिक्शा से वो 1 रिक्शा से एक डे में कितना कमा रही है 20 रुपीज, 1 रिक्शा से वो कितने रुपये कमा रही है 20 रुपीज, अब वो कह रहा है ये 1 डे की बात है बेटा, है ना 1 डे की, अब वो कह रहा है 1 वीक, अब 1 वीक का मतलब है अब क्या करें, अरे डे और वीक में क्या होता है रिलेशन, 1 वीक बराबर होते हैं 7 डेज, कितने 7 डेज, तो एक्चुअल में वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 7 डेज में वो कितना ले लेगी, तो कितना ले लेगी भाई, 1 डे में ले रही है 20 रुपीज, तो 7 डे में लेगी 20 × 7 = 140 रुपीज, तो 1 रिक्शा से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रिक्शा, कहीं आप 9 रिक्शा का निकाल लो नहीं, आपको 1 रिक्शे का निकालना है, एक दिन का आपको मालूम है 20 रुपीज, 7 डेज का कितना हो जाएगा 7 × 20 = 140, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर, आपको ये मेंटली करना है, ठीक है, तो 2 × 6 = 12, अब देखो 2 × 6 = 12, अब यहाँ पे 2 × 6 = 12 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ रही है, तो 12 के आगे भी 1 0 लगा, तो बस तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ 6 यहाँ भी 6, तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 1 0 फालतू है, तो यहाँ पे 0 हमने लास्ट में क्यों लगा दी, है ना, अब 2 0 यहाँ ना होगा यहाँ पे आ गई, है ना, 2 × 6 = 12 तो वही आएगा, और 1 0 फालतू तो हमने यहाँ लगा दी, आंसर वही आया, बस यहाँ पे 20 × 6 कर दिया, यहाँ 2 × 60 कर दिया, आंसर वही रहेगा, ठीक है भाई। चलिए अब 3 × 42, अब क्या करोगे, पहले 3 × आपने 40 + 2 कर दिया, पहले 40 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, फिर 2 से कर दो, तो 40 की 3 में करोगे तो 3 × 4 = 12, 0 आ गया, प्लस 3 × 2 = 6, ये आ गया 126, कितना इजी रहा, है ना, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीप्लाई को एडिशन में, ठीक है, यहाँ देखिए 4 × 8 = 32, और 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो मैंने लगा दिया, अब 481 भाई पहला 80 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इतना आ रहा है, अब 81 से कर रहे हैं तो मतलब क्या है, अब 4 को हमें ऐड करना है 81 टाइम्स, पहले कितनी बार ऐड कर रहे थे 80 टाइम्स, इसका मतलब एक 4 और ऐड फालतू करना है, तो इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 324, अब अगर आप वैसे भी करोगे 4 × 4 = 4,
और 4 8 = 32 ऐसे भी निकाल लोगे आप, ठीक है। तो दोनों तरीके से निकल सकता है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 4 × 81 = 4 > 4 × 80 एम आई राइट? बिल्कुल राइट। ओके 9 25 देखिए, तो आप 9 की जगह 10 करिए, ठीक है। तो 10 से करोगे तो 250 आया, और इसमें से 25 को माइनस कर दीजिए तो आएगा 225। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहे हैं किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 31 का करना है 9 में, तो आप क्या करोगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 310 हो गया, और इसमें से 31 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप तुम्हें बताइए इसमें क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है ना। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप, मेरी अपनी खुद की दुकान है। आई बाई जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, मैं जो कबाड़ वाले जो होते हैं जो घर घर जाकर सामान लेते हैं, मतलब कबाड़ा उठाते हैं, वो मैं उनसे जो जंक है वो खरीदती हूँ। एंड ब्रिंग जंक टू हैंडक्राफ्ट, ठीक है, ऑन हैंडक्राफ्ट। और ब्रिंग जो जंक है जो मैं उनसे खरीदती हूँ, आई देन सेल इट एट द बिग शॉप, उसको बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ, और थोड़ा सा मार्जिन मैं अपने पास रख लेती हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी कमाई होती है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंग, ठीक है। अब मेरे ख्याल से चलो हाँ इस पेज को कवर कर लेते हैं। किरण हैज बॉट सम जंग्स फ्रॉम जंग कलेक्टर, ठीक है। किरण क्या है, ने खरीदा है सम जंग फ्रॉम जंग कलेक्टर, ठीक है, उनसे कुछ कलेक्टर से जंग खरीदा है। लुक अप द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट्स, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंग, ठीक है। अब देखिए 1 kg न्यूज पेपर कॉस्ट कितनी है, 5 rupees। अगर आप न्यूज़पेपर मतलब रद्दी है ना, जो न्यूज़पेपर आप खरीदते हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद वो बेकार हो जाता है, हम उसको जंग वाले कबाड़ वाले को बेच देते हैं। तो 1 kg जो न्यूज़पेपर होता है उसकी जो कॉस्ट है 5 rupees है, तो 30 kg कॉस्ट की कितनी होगी, 150। 5 × 3 = 15 और 0 एक एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई स्टाइल में करनी है आपको। सो फॉर 31 kg सी पेज है ना, आप देखो आगे ना, तो वहाँ पे 30 kg का निकाला तो 150 आया, तो 31 का निकालेंगे तो 5 rupees एक्स्ट्रा, भाई 1 kg तो एक्स्ट्रा हुआ, पहले 30 kg निकाल लेते, अब 31 kg निकाल लें, 1 kg तो एक्स्ट्रा हुआ, 1 kg की कॉस्ट क्या 5 रुपये, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे इसके, तो 150 + 5 = 155 rupees आ गया, आंसर। बिना कुछ दिमाग को आपने जोड़ दिए, आपने आंसर लिख दिया 155, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये कैलकुलेशन करी। देखिए यहाँ पे आप क्या है, एक मोरल स्टोरी पढ़ रहे हैं, किस एक लेडी ने अपने लाइफ से संघर्ष करते हुए एक जंक शॉप खोली, और उससे किस प्रकार से अपना मुकाम पाया, और अपने अपने सभी जो देवर थे और उनकी जो नन थी उन सबको पढ़ाने के लिए भेजा, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा, और किस प्रकार से उसने सक्सेस पाई, है ना। तो काम भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम सब बराबर होते हैं, बस आपका जो काम करने का तरीका वो सही होना चाहिए, आपका जो इरादा वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने 63 पेज तक कंप्लीट कर लिया है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, और बाकी के जो ये हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।